Hi guys, very good afternoon to all. A very good afternoon. Good afternoon. All right, चले तो करते हैं क्लास की शुरुआत और आज का जो अपना टॉपिक है रिविजन के लिए दैट इज बुक्स एंड ऑथर ओके ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एक ना एक सवाल आपके पेपर में आता ही है एस एस सी ओ या कोई भी एग्जाम क्यों ना हो बुक्स एंड ऑथर हमेशा ही आपके पेपर में पूछा जाता है ठीक है तो कोशिश करना है कि हर एक क्वेश्चन को आप प्रॉपरली अटेंड कर पाओ क्योंकि यहाँ कुछ समझने वाला नहीं है बुक्स एंड ऑथर में क्या समझोगे किताब का नाम और ऑथर का नाम खत्म ठीक है तो स्टार्टिंग में तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे उसके बाद में आपको कुछ इमेजेस के साथ में आपको नाम मिलेंगे सो so दैट आप उनका भी रिविजन कर पाए यहाँ पे जो आज बुक्स एंड ऑथर हम पढ़ेंगे वो 2021 एंड 2022 दोनों का कंपाइलेशन आपके लिए रहेगा ठीक है वेरी गुड आफ्टरनून तबीयत थोड़ा सा बेटर है अभी टॉन्सल्स लेकिन वही है कि अभी जैसे कल शाम से तो मैंने खाना नहीं खाया तो अभी होता है ना कि आपने ब्रेड नॉर्मल चाय में डिप करके खा ली बिस्किट डिप करके खा लिए तो वही सब चीजें अभी चल रही हैं क्योंकि यहाँ से कुछ भी सोलो करने पे काफी ज्यादा पेन है और पानी भी जैसे कि चुभ रहा है मुझे ना सबसे बड़ी मुसीबत जो लगती है दुनिया में वो यही है टॉन्सल्स है फीवर एक बार को आ जाता तो चलता है बट टॉन्सल्स जब होते हैं ना तो टॉन्सल अलग नोजी अलग हेड अलग बॉडी पेन अलग फीवर अलग कुछ छोड़ता ही नहीं है ये है ना हाँ इंडोनेशिया के अंदर बताइए इंडोनेशिया में अभी अर्थक्वेक आया और वहां पे इतने सारे लोगों की डेथ हो गई बताओ बाली की समिट क्या हुई पूरी दुनिया ही हिल गई है मुझे लगता है वो चले गए थे पोपट लाल मैं दुनिया हिला डालूंगा है ना आइए बात करते हैं चलो तो आ, सबसे पहली चीज आप लोगों तो के लिए जो कम्पीट प्रोग्राम है यानी कि आर्मी पे चलता है इसे जरूर से ज्वाइन करके अटेम्प्ट किया करिए ठीक है हाँ बंगाली अबू आकाश <laughs> नहीं ये देखो क्लासेस तो नहीं हटेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं बचा है तो क्लासेस तो हम लेंगे ही लेंगे एनी हाउ कैसे भी क्लास तो होगा भले ही जल्दी जल्दी पढ़ा दें बट क्लास तो हो गई होगा ही होगा ठीक है चलिए दीपक मिश्टू भवानी ऋषभ रंजीता मोहित आलोक आदि हार्दिक सपना वेरी वेरी गुड आफ्टरनून राधे राधे सो आई थिंक सभी बच्चे रेडी होंगे यहाँ कुछ समझाने वाला नहीं है तो बहुत तेजी से क्वेश्चन आएंगे और जल्दी जल्दी आंसर करते हुए चलेगा ठीक है चलिए पहला सवाल बताएगा सवाल में कहा जा रहा है कि बिच एक्टर हैज रिसेंटली लॉन्च हिज बुक जिसका नाम है बैचलर डैड ध्यान दीजिएगा मैंने आपको तो बोला है कि किताबें सॉरी इक्कीस से 22 तक की हैं किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया खिचड़ी अरे नहीं यार खिचड़ी नहीं अच्छी लगती है मैं तुषार कपूर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा तुषार कपूर नेक्स्ट हु ये किताब अभी हाल ही में आई थी जिसे हम पीथरी के नाम से भी जानते हैं। मैं पेन क्यों ली हूँ कुछ समझाने वाला थोड़ी ना है। हाँ बताइए yes, अदरक वाली चाय बिल्कुल ये हो जाएंगे आप सबके फेवरेट शशि थरूर इनकी एक और किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस ये किताब हर बार हर पेपर में आती है नेक्स्ट दिल्ली ऑथर ऑफ दिस बुक। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है हाँ बिल्कुल बिल्कुल लोकेश करेक्ट इसका आंसर होगा एम मुकुंदम के द्वारा इस किताब को लिखा गया और ये किताब अभी आपके पेपर में पूछी भी गई है। नरोजी। पाइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नरोजी Pioneer of Indian nationalism. एक बुक स्टार्टिक जीके में आती है वो भी याद करनी पड़ेगी बेटा स्टार्टिक जीके हमने आपको पढ़ाया है दोपहर में बारह बजे वो देख लो और पिछले महीने मैंने पूरी सीरीज आपको पढ़ाई है वो देख लो उतना सफिशिएंट है हाँ हांजी कहा है इसका आंसर क्या होगा दिनयाल पटेल के द्वारा इसको लिखा गया द मॉन्ग इम्पोर्टेंट द मॉन्ग हु उत्तर प्रदेश ये किताब तो बेटा तुम मान के चलो कि आएगी आएगी फिफ्टी परसेंट से ऊपर के चांसेस हैं इस किताब के कौन होंगे शांतनु गुप्ता कौन है शांतनु गुप्ता अगला गांधी टोपी गवर्नर गांधी टोपी गवर्नर देखो बुक्स में समझाने वाला तो होता नहीं है तो जल्दी जल्दी रिपीट करते चल रहे आप आंसर करते चलो कल का टॉपिक अपॉइंटमेंट है इसका आंसर हो जाएगा क्या वेंकैया नायडू जी की किताब है अगला राज कपूर द मास्टर एट वर्क कपूर द मास्टर एट वर्क राहुल रेवाल किसकी किताब है राहुल रेवाल नेक्स्ट द मिड वे बेटल द मिड वे जावेद अख्तर कौन बता रहा भाई जावेद अख्तर किताब कुछ भी मतलब कुछ भी इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे गौतम चिंता मणिके करे चलिए बुक पब्लिक सर्विस एथिक्स पब्लिक सर्विस इथिक्स देखो कहीं कोई चेतन भगत ना बताने लगे विजय गोखले राहुल मीना अच्छा प्रभात कुमार आंसर होगा प्रभात कुमार नेक्स्ट आइए ऑचोक बायोग्राफी इज द बुक अंबुजन स्टोरी किसकी ऑटोबायोग्राफी है अंबुजा स्टोरी ये मत कहने लगना सीमेंट की ऑटोबायोग्राफी होगी मैम अंबुजा सीमेंट देश का सीमेंट है इसका आंसर क्या होगा नरोत्तम ओके अगला देखो यहां पे डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस किसकी किताब है इसका आंसर हो हो गया गया? सूर्य प्रकाश क्या नायडू जी की होगी अच्छा वेन जी की किताब होगी डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस सब वेंकैया नायडू जी के नाम के साथ में चले गए मतलब उनका नाम क्या लग गया तुम लोगों ने तो इंडियन इनिंग्स इंडियन इनिंग्स

किसको मिला ये अवार्ड डेविड डायब को दिया गया अगर आपसे पूछा जाता गीतांजलि राव वाला तो ध्यान दीजिएगा द टॉम ऑफ स्टैंड ये हो जाएगा इस बार का नेक्स्ट पे आइएगा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक होम इन द वर्ल्ड होम इन द वर्ल्ड अमृत सेन किसकी किताब है ये अमृत सेन जी की किताब है ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था क्रिसमस पिक क्रिसमस पिक बहुत ही फेमस नाम है Harry का नाम सुना होगा आपने उसके साथ में आप रिलेट करके यह नाम बता सकते हो जेके रॉलिंग जेके रॉलिंग नेक्स्ट इंडिया 2021 इंडिया 2021 कल के टॉपिक के लिए पूरा रिविजन मार के आना दो हजार इक्कीस से लेके बाईस तक के बाई जितने भी अपॉइंटमेंट्स आप में पड़े हैं सारे के सारे ये क्या होगा राजीव मै अगला वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 ये यूनेस्को के द्वारा चुना जाता है आपको बताना है कौन सा है थोड़ा हिंट दे देते हैं आपको ये प्लेस मैक्सिको के अंदर है प्लेस मैक्सिको के अंदर है नो इट इज योर बर्थडे विश यू हैप्पी बर्थडे ओके नेक्स्ट पे आइए विश क्रिकेटर रिसेंटली लॉन्च आ ऑटोबायोग्राफी बिलीव ये भी आपके पेपर में आया था अभी बिलीव सुरेश रैना करेक्ट है सुरेश रैना प्रॉमिस मी डैट प्रॉमिस मी डैट ये किताब किसकी है प्रॉमिस मी डैड कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की होगी उनकी बेटी के लिए बेटी पे बड़ा ध्यान है तुम्हारा बेटा है चलो इसका राइट आंसर है जियो बाइडेन नेक्स्ट सनराइज ओवर अयोध्या ये भी आने के आसार हैं ये भी आने के आसार हैं सलमान फुर अगला लाल सलाम इंपॉर्टेंट लाल सलाम स्मृति ईरानी करेक्ट नेक्स्ट पे आएंगे ऑटोबायोग्राफी रिजॉल्व किसकी ऑटोबायोग्राफी है रिजॉल्व बन की मून किसकी हो जाएगी बन की मून नेक्स्ट बुकर प्राइज ध्यान दीजिएगा बुकर प्राइज है ये वही वाला प्राइज है जो इस बार श्रीलंका के एक ऑथर को दिया गया है ये आपसे 21 का पूछ रहा है डेमोन गैलग कौन हो जाएगा डेमोन गैलगट लिविंग माउंटेन लिविंग माउंटेन माउंटेन, ओके अमिताभ घोष इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था फिफ्टी फोर्थ नंबर का मनोहर पारेकर ये सीएम रहे थे गोवा के काफी लंबे टाइम तक स्कूटी से चला करते थे बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन थे हम्म नितिन गोखले करेक्ट यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर पवन सिंह नेक्स्ट द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट ये सवाल आ चुका है और फिर से आएगा ये सवाल आ चुका है और एक बार फिर से आएगा। हम्म, नेक्स्ट वेयर अबाउट ये भी क्वेश्चन अभी आपके पेपर में आया था जो आते गए हैं उनको एक बार से हम मार्क करते जा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कितना मजा आ रहा है मैम आज क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आ रहा है मैम है ना आज कुछ एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं है दिमाग की नहीं दौड़ाना तो। पता चला इसको स्टार बक्स पढ़ हम्म पीटर मुखर्जी क्या पीटर 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 ब्यूटिफुल थिंक ब्यूटिफुल थिंक हंटर बाइडन अच्छा मेघना पंथ दो दो अलग अलग आंसर चल रहे हैं ऑल राइट right. इसका आंसर होगा हंटर बाइटेड अनफिनिश ये भी पेपर में आया था अनफिनिस्ड आप लोग प्रियंका चोपड़ा जोनस अगला बाय मेनी आपी एक्सीडेंट री कलेक्शन ऑफ अ लाइफ बाय मेनी आपी एक्सीडेंट recollections of life. देख रहे कितनी सारे लोग मतलब कितनी सारी किताबें लिख देते हैं आप सोचो ये किताबें 2021 से लेके 22 तक की हैं एंड यू बोन बिलीव जो नंबर ऑफ स्लाइड हो गया था ना वो 140 है 140 नंबर ऑफ स्लाइड्स तक बताओ इतनी सारी किताबें पूरे साल भर में कौन लिखता है हामिद अंसारी कौन है हामिद अंसारी अगला Stories I must say, the journey of an actor. जर्नी पीडीएफ आपको हम शेयर कर देंगे ताकि आप एक दो बार रिवाइज और कर लो ये हो जाएगा किरण बेदी ये याद रखिएगा एंड फियरलेस गवर्नेंस आपको याद होगा फियरलेस गवर्नेंस ये किताब भी इन्होंने लिखी है ये तो अभी आई है खैर जल्दी द लॉस्ट सोल The loss, so. बताओ लिखते ये लोग हैं अब याद हमें करनी पड़ती है ऐसा कौन करता है बताइए इसका आंसर होगा ओल्गा क्या बनेगा ओल्गा राइट अंडर योर नोस ये भी पूछा गया था राइट अंडर योर नोस कल इस समय जो हम टॉपिक रिवाइज करेंगे वो होगा अपॉइंटमेंट आर गिरीधरन ठीक है अब सुनो यहां से एक एक करके काफी सारी बुक्स हैं इनको इतमान से देखते चलना और एक बार से रिकॉल करते चलना ठीक है सुनिए लाइन ऑफ द स्काई कौन सी किताब है लाइन ऑफ द स्काई ये किताब किसके ऊपर है आदित्य सिंह मलिक के ऊपर इस किताब को लिखा गया है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है स्टीफन बर्कर के द्वारा इस किताब को लिखा गया है नेक्स्ट पे आइए डेंजरस अर्थ डेंजरस अर्थ ये किताब लिखी गई है एलेन ब्रेगर के द्वारा इसके द्वारा एलेन ब्रेगर के द्वारा ओडिसा के सीएम नवीन पटनायक जी नवीन पटनायक जी लॉकडाउन लिरिक्स किताब का नाम क्या है लॉकडाउन लिरिक्स इस किताब को रिलीज किया गया नेक्स्ट दिलीप कुमार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ द लेजेंड दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ द लेजेंड ये किताब किसके द्वारा लिखी गई फैजल फारूकी किसके द्वारा फैजल फारूकी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने बियॉन्ड मिस्टी वेल क्या है बियॉन्ड द मिस्टी वेल इस किताब को यहाँ पर लिखा गया है एक बच्चा कह रहा है कि मैम जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का क्या एक वीडियो मिल सकता है कल यही YouTube पे दोपहर में 12 बजे ऑलरेडी ये वीडियो चल चुका है थोड़ा सा कष्ट दीजिए हाथों को कल का वीडियो चेक कर लीजिए मिल जाएगा दोपहर तो में बारह बजे चलाए हाँ जी हिमाचल प्रदेश के गवर्नर किताब का नाम द लाइन द मैकमोहन लाइन किसके द्वारा लिखा गया जे जे सिंह के द्वारा इसको लिखा गया ठीक है ना जे जे सिंह के द्वारा इसको लिखा गया रिलीज किसने किया हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के द्वारा इसको रिलीज किया गया हरियाणा के सीएम अष्टांग योगा सोनू पोगाट किसके द्वारा सोनू पोगाट हाँ हमको भी ऐसे ही लगता है कभी कभी गौतम अडानी द मैन हु चैलेंज इंडिया किसके द्वारा आर एन भास्कर मुझे क्या लगता है ना इनकी तो किताब बेटा तुमसे पूछ ली जाएगी क्योंकि रैंकिंग में ये इतना कांड करते रहते हैं एक जगह पे ये लोग टिकते नहीं है आज वन पे कोई और कल वन पे ये फिर कोई और फिर ये तो हो सकता है कि यहाँ से जो बुक है ये आपसे पूछ ली जाए नेक्स्ट राम बहादुर राय किताब भारतीय संविधान क्या नाम है भारतीय संविधान ये क्वेश्चन बन सकता है बट बहुत ज्यादा कोई चांसेस नहीं है इस क्वेश्चन के हाँ जी धर्मेंद्र प्रधान ये क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किताब रिलीज की गई जिसका नाम क्या था लोकतंत्र इसके अंदर क्या था जो हमारे प्रेसिडेंट थे यानी कि आपके सामने नजर आ रहे हैं रामनाथ कोविंद जी इनकी जो पूरी स्पीचेस थी उन सबका कलेक्शन आपको इसके अंदर मिलेगा ठीक है ना नेक्स्ट द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस दिनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक ये क्या है इंडिया की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग किताब है किसने लिखी है पब्लिशर कौन है कहाँ से आई है उससे आपको कोई मतलब नहीं है लेकिन याद रखेगा सही बात है इन लोगों ने किताबें लिख लिख के तुम लोगों की जिंदगी खराब करके रखी है ये तो नया था यार ये मुझे आज ही पता चला चलो इंडियन स्टोरी विमल जलान इम्पॉर्टेंट है इंडियन स्टोरी विमल जलान इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट बॉन्ड इम्पॉर्टेंट है अब ये मत कहना मैम सब तो इम्पोर्टेंट है अब भैया हम क्या करें बताओ ये सब नाम ही ऐसे हैं लिसन टू योर हार्ट लिसन टू योर हार्ट जितेंद्र सिंह जी ई बुक रिलीज की गई सिविल लिस्ट की किसकी ई बुक रिलीज की गई सिविल हार्पर कॉलेट के द्वारा पब्लिश की गई प्रीति शिनॉय की एक नॉवल जिसका नाम है अ प्लेस कॉल्ड होम अ प्लेस कॉल्ड होम किसकी है ये प्रीति शिनॉय की है किसकी प्रीति शिनॉय की है अब ज्यादा लिसन टू योर हार्ट मत करने लगना पता चला हार्ट को ही लिसन करते रहेगा तब तक एग्जाम का टाइम खत्म हो गया ठीक है चले आगे आते वेंकैया नायडू जी के द्वारा रिलीज की गई मोदी एट ट्वेंटी क्या है मोदी इसको रिलीज किया गया नेक्स्ट द स्ट्रगल फॉर द पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया ये किसकी है प्रकाश सिंह जी की है रिलीज किसने की वेंकैया नायडू जी ने अभी आपको इसकी पीडीएफ हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे प्रति करेंट अफेयर ऑफिशियल सो so बार रिविजन कर लेना okay? पे आ जाओ नाइनटीन सेवेंटी वन राजनाथ सिंह जी ने इसको रिलीज किया किसने रिलीज किया है राजनाथ सिंह जी ने इसको रिलीज किया है ठीक है नेक्स्ट कुछ याद आ रहा है यह अभी पूछी गई थी किताब हाँ बताइए बेटा यूजीसी नेट में कोई दूसरा कंटेंट नहीं आता है मैं आपको बताऊं अभी कुछ दिन पहले की बात है क्या नाम है बच्ची का प्रशाली आई थिंक प्रशाली नाम है उसका दिल्ली पुलिस में भी अभी सिलेक्शन हुआ था उसने का भी यू का भी रिजल्ट आया है आई थिंक अभी रिजल्ट आया है ठीक है उसमें दो सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आपके करेंट अफेयर्स और जीके आता है वो पूरा का पूरा सॉल्व करके आइए बेटा तो जीके कहीं बदल नहीं जाता है कि लो पेपर बदला तो जी बदल गई मतलब तो तो देश के प्रधानमंत्री रेलवे के लिए कुछ और है एस के लिए कुछ और है यूपीएससी के लिए कुछ और है स्टेट पी के लिए कुछ और है और यूजीसी के लिए कुछ और है ठीक है चलें हाँ जी देवेंद्र फर्नाडिस के द्वारा रिलीज की गई किताब अमित शाह ध्यान दीजिएगा ध्यान दें यहाँ पर ठीक है ये ऐसा ऐसा भी किताबें पूछ ली जाती हैं खतरनाक टाइप के जो नाम होते हैं हाँ देख रहे हैं विनोद राय जी नॉट जस्ट आ नाइट वॉचमैन क्या है नॉट जस्ट आ राइट वॉचमैन विनोद राइट अगला चाइनीज स्पाइसेस हाँ चाइनीज स्पाइस स्पाइसेस नहीं है स्पाई है जासूस जैसे कि बलाम्दी पुतिन ने अभी सवाल कहा था ना <coughs> बिल्कुल वैसे ये किताब किसकी है सुनिएगा ये किताब किसकी है यहां पर विक्रम सूद किसकी किताब है विक्रम सूद की किताब है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी इसको भी हाल ही में रिलीज किया गया था नवीन पटनायक जी के द्वारा किसके द्वारा नवीन पटनायक जी के द्वारा ये किताब पूछी जाएगी राजेश तलवार जी की किताब है राजेश तलवार जी की किताब है द बॉय कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है समझ में आ गई बात ध्यान दीजिएगा द बॉय रोटा कॉन्स्टिट्यूशन ये किताब किसकी है राजेश तलवार जी की है बी आर अम्बेडकर जी के ऊपर ये आपको नजर आ रही होगी इनकी ये यहाँ पे बचपन की जो फोटो है वो आपको दिखाई दे रही होगी ठीक है चलो नेक्स्ट पे आओ इंडियन ऑथर प्रेम रावत इनकी किताब हियर योर सेल क्या नाम है हियर योर सेल इसको रिलीज किया गया इसके बाद ये तो मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में बता दिया हाँ इम्पॉर्टेंट ठीक है इंपॉर्टेंट है किसकी किताब है ये अभी आपको मैंने बताई था गीतांजलि श्री की किताब है ठीक है थीके? उसके बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया डेजी रॉकवेल के द्वारा किसमें अंग्रेजी में अलग नेक्स्ट आइए टाइगर ऑफ ब्रास टाइगर ऑफ ब्रास ये जो किताब है ये किसकी है अनुज नायर जी की किताब है और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई मीना नायर एंड हेमंत सिंह जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है द मैब्रिक इफेक्ट द मैब्रिक इफेक्ट हरीश मेहता जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया मैं आपको इसीलिए एक बार सारी बता दे रही हूँ so आप जब इसको रिवाइज करो ना तो कम से कम तीन चार बार पढ़ना पड़ेगा ये मत सोचो कि तुमने एक बार यहाँ पे सुन लिया बस याद हो गया किसी को ऐसे याद नहीं होता बेटा 2021, 2020, 2019 की भी किताबें पूछ लेते हैं आजकल मतलब कुछ लगता ही नहीं ऐसे कहीं हम लोग का दिमाग नहीं बिल्कुल कंप्यूटर हो गया डिकोडिंग <laughs> इंडियन किसकी है अश्विनी श्रीवास्तव जी की किताब ठीक है अश्विनी श्रीवास्तव जी की किताब है मुंडा धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस किताब को रिलीज किया क्या है बीरसा मुंडा जी की किताब धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको रिलीज किया क्वीन ऑफ फायर देविका रंगचारी देविका रंगचारी, हाँ देख रहे हो क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस ये किताब किसकी है? श्रीराम चौलिया श्रीराम चौलिया की ये किताब है नीति आयोग ने अभी एफ के साथ में मिलकर इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्स 2030 को रिलीज किया है ठीक है स्फूर्ति इस स्फूर्ति इस प्रथा यह किताब आई है किसकी केश्याम प्रसाद जी की किसकी आई है केश्याम प्रसाद जी की यह किताब पूछी जा चुकी है द लिटिल बुक ऑफ जॉय ध्यान दीजिएगा द लिटिल बुक ऑफ जॉय द लाए लामा द लाए लामा नेक्स्ट अनफिल्ड बैरल इंडियाज ऑयल स्टोरी ये चांसेस कम है बट ऋचा मिश्रा की किताब है तो हो भी सकता है कि आपसे पूछ पूछती जाए ऑटोबायोग्राफी किसकी है जी यार विश्वनाथ जी की किताब है और ये ऑटोबायोग्राफी है इनकी राइट तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ऑटोबायोग्राफी है ये रोड टू वन थाउजेंड रोड टू वन थाउजेंड इसको रिलीज किया गया यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफी सारे स्पोर्ट पर्सनालिटी आपको नजर आ रहे होंगे इनके द्वारा इसको रिलीज किया गया है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोर देन जस्ट जस्टा सर्जरी मोर देन जस्ट आ सर्जरी किसके द्वारा है ये टेहमटो तो एलेज और दवाई के द्वारा इस किताब को लिखा गया है बेटा शुक्र मनाओ ये सिलेक्टिव किताब है वरना तो बेहोशी आ जाए इतनी किताबें हैं हाँ मॉनसून साहित्य एकेडमी तो कुछ भी आता है आजकल मॉनसून जैसा बताइए साहित्य एकेडमी है ना और इसको लिखा किसने है अभय जी ने इसको लिखा है आ, ये आप स्किप कर सकते हो ये भी आप स्किप कर सकते हो जो स्किप बोल रहे हैं वही करना पता चला सब स्किप कर दी है ना आ, ये भी स्किप कर सकते हो हाँ ये स्किप नहीं कर सकते हो क्वीन ऑफ इंडियन पॉप ऑटोबायोग्राफी है किसकी उषा उत्थुप की किसकी है उषा उत्थुप आपके सामने नजर आ रही है। ओम ओम हरी 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 ओम ऐसा करके गाना नहीं है वो नहीं गाया हाँ जी द ब्लू बुक द ब्लू बुक किसकी है अमिताभ कुमार जी की किसकी है अमिताभ कुमार जी की हाँ हाँ हाँ, हाँ। ये किताब छोड़ोगे शर्म नहीं आती इस किताब को छोड़ते हुए कौन सी है ये है योगी सी है योगी किसकी है किसकी है किसकी दीपम चैटर्जी की ये किताब आपको देखने को मिलेगी अः उड़ान एक मजदूर बच्चे की बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी एक बार से आप इसको देख सकते हो बट कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हाँ ये एम के स्टैलिन की ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है ओंगलिन ओरबन क्या नाम है ओंगलिन ओरबन इनकी ऑटोबायोग्राफी है द ग्रेट टेक गेम द ग्रेट टेक गेम ये है अनिरुद्ध सूर्य की ओके ये आप स्किप कर सकते हो देखो मैंने आपको पूरा कलेक्शन दे दिया है अगर आपकी इच्छा हो अगर आपका ज़्यादा मन कर रहा हो हाई और पढ़ना है और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं अ नेशन टू प्रोटेक्ट ये पूछी जाएगी ये पूछी जाएगी किसकी है ये है प्रियम गांधी मोदी की ओके इसको आप स्किप कर सकते हो कर सकते हो स्किप कोई प्रॉब्लम नहीं है आ, ये किताब हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक बिलगेट्स की किताब है चांसेस कम है बट फिर भी ध्यान में रख लेना ये बुक आपसे पूछ सकते हैं कि हाँ चलो एक बार को पूछ लिया इंडिया अफ्रीका रिलेशन के ऊपर आपसे किताब नहीं पूछी जाती है लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप सोचते हो कि ये नहीं आएगा तो तभी वो आके टपक जाता है तो ये किसकी है राजीव भाटिया जी की किताब ठीक है राजीव भाटिया जी की किताब है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सागरिका घोष किसके द्वारा सागरिका घोष के द्वारा ठीक है ये नहीं पढ़ोगे धूनी भैया यहीं से निकल के आगे बेटा तुमको बताएंगे क्या नाम है इसका अथर क्या नाम है अथर कौन दिख रहा है यहाँ पे अपने प्यारे धूनी भैया ठीक चलो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये पूछी जाएगी नबीब सिंह गिल की किताब है ये आ भी चुकी है और आगे भी पूछी जाएगी ये आप स्किप कर सकते हो ये भी स्किप कर सकते हो हम्म आत्मा ये याद रखिएगा ये क्या है ऑपरेशन खात्मा आर सी गंजो एंड अश्विनी के द्वारा इसको लिखा गया है पीएलएस गवर्नेंस आएगी आएगी मतलब ये तो आने ही आना है किरण बेदी जी ओके अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसकी है रस्किम बॉन्ड की यह किताब है इसको भी स्किप कर सकते हो ये भी स्किप कर सकते हो ये तो मैंने आपको बताई दी अरुंधति रॉय अरुंधति रॉय की किताब है और अरुंधति भट्टाचार्य आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा एस के अंदर या वर्ल्ड बैंक के अंदर इनकी एक किताब है जिसका नाम है रतन टाटा रतन एंड टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी ये अभी नवंबर में रिलीज की गई है ठीक है गांधी नेशन नहीं पूछा <laughs> ये ये कौन पड़ेगा भाई बियॉन्ड 2021 ममता जी के ऊपर या फिर ममता बैनर्जी जी के ऊपर जयंत घोषाल के द्वारा इस किताब को लिखा गया इनके बर्थडे पे इसको रिलीज किया गया था इसकी पीडीएफ अभी हम आपको शेयर कर रहे हैं बट प्लीज दिस इज इस रिक्वेस्ट कि इसको तीन चार बार पढ़ जरूर लेना ठीक है चलो वो देखो मैं बोलते बोलते मैं नहीं थक रही हूँ मेरा गला दर्द कर रहा है बोलने में मुझे दिक्कत है तुम लोग ज्यादा थक जाते हो चलो अब आपसे मिलेंगे कल सुबह टिल देन न्यू बैच आपका 24 से स्टार्ट हो रहा है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एफ के लिए भी बैच है यहाँ पे भी आपको पीडीएफ दे देंगे पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए फोर विल बी क्रेडिट ठीक है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज आल्सो अवेलेबल चलो मिलते हैं आप लोगों से कल टिल दिन खुश रहिए मुस्कुराते रहिए कीप लर्निंग कीप रिवाइजिंग सुबह सात बजे इसी जगह पे टिल दिन बाय